Sambodhi Retreat, a world-class resort. Food, swim, stay, enjoy. Experience your dreams at Sambodhi Retreat Bodh Gaya and Dhanbad. बिहार में राजग सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों पर 5 अगस्त तक शुरुआती फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 5 अगस्त तक एक फॉर्मूला नीतीश कुमार को पेश कर दिया जाएगा, फिर उसी के आधार पर आगे की बातचीत होगी। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देने के लिए पार्टी आलाकमान संगठन में जल्द ही बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश पदाधिकारी के पद से कुछ लोगों की छुट्टी हो सकती है, तो वही नए लोगों को दायित्व भी दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर एक बार फिर हल्ला बोला है। गया से पटना के लिए शुरू की गई साइकिल यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी ने एनडीए भगाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद किया और भाजपा जदयू पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों में मतभेद साफ दिख रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस जेडीएस और आरजेडी राहुल गांधी को बतौर पीएम कैंडिडेट प्रमोट करना चाहती है, तो वहीं कुछ सहयोगी दलों को राहुल का चेहरा मंजूर नहीं दिखता। ममता बनर्जी ने अपील करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव विपक्ष को बिना किसी चेहरे के ही लड़ना चाहिए। डीएम के प्रमुख करुणानिधि की शुक्रवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आज अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से करुणानिधि को फिलहाल आईसीयू में भर्ती किया गया है। बिहार में 14 जिलों में जारी सूखे के संकट पर सरकार की नजर बनी हुई है। इन जिलों में सामान्य से 50% से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार में अभी तक धान की रोपनी महज 32% ही हो सकी है, जो चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 31 जुलाई को सूखे की स्थिति पर समीक्षा बैठक होगी, जिसके बाद सरकार सूखे को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी। मुजफ्फरपुर के गर्ल्स रिमांड होम में हुए बालिकाओं से रेप कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर एसएसपी हरप्रीत कौर की माने तो बालिका गृह में 29 नहीं बल्कि 34 बच्चियों से बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पीएमसीएच की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पहले 29 बच्चियों से रेप की बात कही जा रही थी। बिहार के मधुबनी जिले में एक बार फिर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां मनचलों ने नाबालिग के साथ गैंग रेप की कोशिश की और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की। आरोपियों ने छेड़खानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो में से एक आरोपी को धर दबोचा। गया का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दो युवक को बांधकर पीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दो लोगों को बंधक बनाया और फिर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में है। मामले में पुलिस ने अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। यह वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में डॉक्टरों ने शनिवार को 12 घंटे की आंशिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टरों ने एनएमसी बिल को पूरे चिकित्सा जगत के खिलाफ बताया और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टरों की इस हड़ताल की वजह से अस्पतालों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कहीं जल जमाव की वजह से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रही है। ताज़ा मामला वैशाली का है, जहां बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। पटना के मनेर में पानी खेत में गिराने को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, वहीं घटना के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस आरोपी को सरगर्मी से तलाश रही है। जहानाबाद में बेखौफ अपराधियों ने आदर्श नगर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गए। घटना उस वक्त की है जब मृतक अमरजीत बाजार में अपने घर लौट रहा था। कटिहार में आदिवासी महिला के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को बंधक बना पहले तो उसकी पिटाई की, फिर बाल मुंडवाकर पूरे इलाके में घुमाया। मामला प्राणपुर के जुरा इलाके का है। छपरा के ललातपुर में क्लासरूम में सोते हुए शिक्षक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्लासरूम में सो रहे शिक्षक का मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो के सामने आने के बाद इलाके के लोग शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड में एक महीने तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज देवघर पहुंचे, जहां बाबा भोलेनाथ की पूजा के बाद उन्होंने श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने इस दौरान राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बस एक बटन दबाए और जीते ढेरों इनाम।
मोबाइल, घड़ियां, चांदी के सिक्के और ढेरों इनाम। बस रिपोर्टर्स 11 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बन जाए विजेता। अब आप भी बने रिपोर्टर और भेजें अपनी खबरें सिर्फ रिपोर्टर्स 11 पर। सच दिखाने की ताकत रखते हैं हम। अगर आपके अंदर है कुछ करने का दम तो हमसे जुड़े।